मुबारकबाद इस टीम को संवारने में अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर एहतशाम साहब ने इस टीम को स्पॉन्सर किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उत्सव ये पल बढ़कर इसी मिट्टी में पला बड़ा है, इसे मिर्जा सुफियान ने परवरिश की है। जी बहुत ही महाराज से बता हुआ खिलाड़ी दोनों टीम को अपने स्कोर का आगाज करना बाकी और शीर्ष जाय का दरबार का खाता खुलता हुआ रन अगेंस्ट द लॉ। अब देखिए अब यहां पर अलग अलग हिस्से में बैठे हुए हैं दर्शक। अब ये बार इंडिया से भी तो हिस्से में तकसीम है डिफेंडिंग। अब आएगा मजा मुकाबले में और इसमें बाल कंट्रोल में लेकिन फोर हैंड का इशारा था हुआ रेफरी मोहम्मद आसिफ साहब का। 0-1 सर्विस से जाय का दरबार सही मैम सर्विस सर। डिफेंडिंग और ये सही दादा समालाल तमश ने लंबा क्रॉस किया और ये देखिए चतुराई सईद आलम की। दुनियाए वालीबॉल के तजर्बे के मामले में दुनियाए वालीबॉल के अगर होलसेलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा सईद आलम को। बढ़िया वापसी किया है जाय का दरबार ने पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में बढ़िया वापसी 2-0 दो पर है जाय का दरबार। एशिया इमरजेंसी सरायमीर को खाता खोलना बाकी है। डॉक्टर एहतशाम एंड कंपनी सरायमीर इसी शान का बढ़िया ड्राफ लेकिन बढ़िया तरीके से बाल को संभाला हारिस ने बाल अभी भी ये देखिए दूसरे के चक्कर में तेरे मेरे चक्कर में बाल डाउन और एक पॉइंट जाय का दरबार के नाम जुड़ता हुआ ना पॉइंट आर थ्री अगेंस्ट लव सर्विस का इनोवेशन किया वाला आप जाय का दरबार लहबरिया। डॉक्टर साकिब जमाल साहब और मिस्टर तुफैल अहमद साहब मैं सिर्फ संदोष होते हुए कहीं ना कहीं उनको अपनी जवानी याद आ रही होगी। 4-0 पलटा वार किया गुड कम बैक बाई जाय का दरबार बेहतरीन वापसी जाय का दरबार खिलाड़ियों किया है। एक बार जाय का दरबार की तालियां बजाते हैं बढ़िया वापसी दूसरे सेट में। डिफेंडर ये माल जहमा एक पॉइंट और फाइव अगेंस्ट लाभ यही है वॉलीबॉल की दास्तान। कब कहानी बदल जाए फर्स्ट टाइम आउट पूरी तरह से छुड़े हुए हैं खिलाड़ियों के साथ उत्साह वादन करते हुए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए डिफेंडेड बाई अल्तमश और ये मासमा बाल अभी भी कंट्रोल में लेकिन ये अफलान मौके की तलाश में। अब देखिए दर्शकों में भी जंग जारी है दर्शकों में भी जंग जारी लेकिन आपके मेरे घर अदब के दायरे में रहकर यहाँ भी अदब का एक सीमा है उस दायरे में रहकर आप खिलाड़ियों को हूट करें। ये सही बाल को समासी शान और ये माजाला लेकिन दबाए गए मास पॉइंट सिक्स अगेंस्ट लव शून्य फाइव अगेंस्ट लव 5-0 5-0 6-0 डिफेंडिंग
और ये शीशान लेकिन सात सिफर अब आकलन क्या साराइया करते हुए हमारे शायकीन देखे जा रहे हैं कि मुमकिन है कि तीसरा सेट भी खेला जाए। सात सिफर ये माइनस बार पूरा फायदा उठाया है मिस्टर मोहसिन ने। भाई आराम से दर्शकों से मैं अपील कर रहा हूं कि आराम से बॉल के उस पार न जाए। आप सहरिया की जो दो पार्टी बनी है दर्शक बॉल के उस पार आप न जाए भाई, कहीं आसिफ भाई की कुर्सी हिल न जाए। आप थोड़ा आराम से सपोर्ट करिए, अगर आसिफ की कुर्सी हिल जाएगी तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं। और इस बॉल को सही वाला आता खुलता हुआ जाएगा तरफ छोटू थोड़ा सा अपने पाले नहीं रहो दोस्त। ए नबील निदाल वोटिंग करने दे लेकिन एक दूसरे के पाले में न जाए, ऐसा ना हो। नबील आप वोटिंग करें चिल्लाहट करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक दूसरे के पाले में जाके ये जोर जबरदस्ती न करें आप। आसिफ 09 का मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये लाडला तीन चार दिन से लगातार अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आसिफ 09 के कैप्टन ऑफ सहरिया। लग रहा है कि मट्टी खन लेंगे क्या सहरिया के दर्शक। आठ और एक सर्विस से जाएगा दरबार डिफेंडिंग में कामयाब। सारा मजा तो दर्शक ले रहे हैं हमारे जो मासूम बच्चे हैं। एक आसान सचिन मिलता हुआ जायका दरबार को, पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट पर वापसी किया है जायका दरबार के खिलाड़ियों ने। डिफेंडेड बाई मास शुक्रिया। वन अगेंस्ट एक और आठ के स्कोर बनावा था हर सर्विस पर मिर्सा मोहसिन माल राइट का इशारा। आठ और एक क्या बढ़िया वापसी बदला ले रही है टीम पिछले मुकाबले में 6 पॉइंट से। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला उमर बमहर बेहतरीन जवाब देखा उदय यारमान खूबसूरत आप नेच कॉन्टेक बड़ी मेहनत की सहरिया के इन नौजवान बच्चों ने, उम्र इन बच्चों की बड़ी कम है। ज्वाइन ब्लॉक बाल अभी भी फिर सामने थी सिंगल ब्लॉक जीशान का और फिर मास देखिए पहले के पॉइंट दोनों टीमें चोट रही है। एक पॉइंट भी इतना आसान नहीं होता है। आपने कहावत सुना होगा कि हाथी को गोद में बैठाना चिंकी को लिपस्टिक लगाना मच्छर को जैकेट पहनाना इतना आसान नहीं होता है। उसी तरह से एक एक सर्विस और एक पॉइंट भी जूझना पड़ता है। ये असलान लंकी रैन रास का मालिक मोहसिन अपने लंबाई का पूरा एडवांटेज लिया। कुतुब मीनार की ऊंचाई खिलाड़ी की लंबाई अफलातून की मिठाई का बड़ा महत्व होता है। आपने भी देखा अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाई
मोहम्मद साहेब बहुरी और दूसरे हमारे सिकंद जो साहेब है, इन बच्चों ने बड़ी प्यारी वार्ता की है। खेल पर बड़ी बढ़िया तबसरा इन बच्चों ने किया है। इन बच्चों को भी ढेर सारी मुबारकबाद। 1-10 का स्कोर है। सर्विसिंग कराने में कामयाब। खूबसूरत हथियार इस्तेमाल किया टच आउट की शक्ल में महासहमत। 1-10 वन अगेंस्ट 10 9 पॉइंट की दूरी को रिकवर करना है एशिया इमरजेंसी को। इतना आसान नहीं होगा। ये सही डाला लंबा हाथ या बाल अभी नो टच। 1 पॉइंट बड़ी देर के बाद एशिया इमरजेंसी सरायनी के खाते में। इस टीम को इंपाउंस किया डॉक्टर इतिशाम अहमद। एशिया इमरजेंसी सरायनी टीम को संवारा है मिर्जा सफियान साहब, मोहम्मद अशरफ तोहा, अजमल साहब स्पेन से मुकाबला दे रहे हैं। वन मोर पॉइंट बाई एशिया इमरजेंसी। 9 पॉइंट 3 अगेंस्ट 10 सर्विस कंटिन्यू। सर्विस एरर। इतनी ज्यादा ओस पड़ी है, ड्यू गिरी है कि आप देख रहे हैं कि शबनम के कतरे उसकी बूंदें इस आसमान इस टेंट को क्रॉस करते हुए नीचे आ रही है। अक्टूबर 2024 और जो 12 अक्टूबर को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन अब 13 अक्टूबर में इसकी समाप्ति हुई। ये कहानी भी रत्न होगी इतिहास के पन्नों पर। मोहम्मद शाहिद साहब और अहले साहिया ने अपने मेहमानों का बड़े गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया और आई अपने तमाम शायकीन का शुक्रिया अदा किया। इसके लिए शाहिद साहिया को भी हम मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि मेहमानों का इंतहाई खलूस के साथ खैर मंगल किया गया। चाहे वो हमारे खिलाड़ी रहे, रेफरी रहे या हमारे ऑडियंस रहे, तमाम लोगों का खैर मंगल किया सहरिया के लोगों ने। इसके लिए सहरिया के तमाम लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद और खास तौर से इन बच्चों ने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया आसिफ 09, उनके तमाम नौजवानों को मुबारकबाद इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए। हालांकि पिछले 12 सालों के बाद सहरिया के सरजमीन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन ये टूर्नामेंट बड़ा ही कामयाब रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है, ग्राउंड खूबसूरत तैयार किया और खूबसूरत रोशनी इस ग्राउंड को दिया। ग्राउंड को बैलून से सजाया गया तिरंगे की शक्ल में और कहीं ना कहीं ये तिरंगा लगाकर ये बताया गया कि हमारा मुल्क ये गंगा जमुना तहजीब वाला है। इस बात के लिए भी ढेर सारी मुबारकबाद की। बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। कहीं ना कहीं शहीदान वतन को याद किया गया और कहीं ना कहीं तालीम तरबियत को भी याद किया गया और स्पोर्ट्स को भी जिंदा किया गया। इसके लिए सहारिया के तमाम लोगों को मुबारकबाद। इसी एक पहलू पर टूर्नामेंट नहीं किया गया, कई पहलू को नजर रखा गया, उसके बाद टूर्नामेंट की बुनियाद रखी गई। मैं सहारिया के लोगों के हाफजे को मुबारकबाद, जबकि हमारे जो सीनियर कमेंटेटर एक्सपर्ट कमेंटेटर शाहिद साहब ने बताया कि सहारिया आजमगढ़ का वो गांव है जिसे तालीम तरबियत का गहराना कहा गया, इल्म का समंदर कहा गया और जहां तक तालीम और खेल की दुनिया से इसका ताल्लुक बिल्कुल चोली और दामन की तरह है। रेफरी का होगा वही अंतिम और आखिरी होगा। 9-10 और रेफरी का फैसला ये मान लोगा प्लीज नो कमेंट। 4-10 ये मोहसिन दस्चा।
भाई नबील दोनों तरफ पहले लाइन मैन बैठ जाए। नबील 10-4 का स्कोर, पहले लाइन मैन बैठाइए, इधर भी इधर भी। एशिया इमरजेंसी दस चार भाई मैच स्टार्ट करें भाई आसिफ साहब भाई बार इंडियंस लाइन में आसिफ नाम बता आसिफ सूर्य नाइन चलिए आसिफ है आसिफ है। बड़ी मेहनत किया एक बच्चे ने, तकरीबन 3-4 दिन की नींद हराम कर दिया आसिफ ने इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए। और आसिफ आपका मिशन जो था वो सक्सेस हो गया दोस्त, जो सपना आसिफ ने देखा था वो सक्सेस हो गया। जीशान सर्विसेज लाने में कामयाब। फाइनल में इतने सारे दर्शक, ये टूर्नामेंट कामयाब होने की सबसे बड़ी दलील है। जितने लोग लाइव चला रहे हैं जरा एक बार दर्शकों को दिखा दें कि सहारिया डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लास्ट हिस्से फाइनल मुकाबले में इतने सारे दर्शक जो देखे गए बहुत कम जगह पर देखे जा रहे हैं। कैमरा मैन जो लोग हैं मुर्शिद वॉलीबॉल आसमगढ़ वॉलीबॉल आमिर साहब से गुजारिश है कि जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। मॉडल वॉलीबॉल 09 ये अपने दर्शकों की तरफ अपना कैमरा फोकस करें, कैमरे को फोकस करें भाई, कैमरा मैन फोकस करें अपने दर्शकों पर। ये भी इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा मशमा एक बार अपने लिए तालियां बजा ले, इतना कामयाब टूर्नामेंट बड़े दिनों के बाद देखने को मिला है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ पूरे मशमे को मुबारकबाद कि आप लोगों ने जिंदगी पैदा की इस मुकाबले में। लवली शॉट बाई सईद आलम, 10-4 पर मुकाबला रुका हुआ है, 10-4 है जायका दरबार, 4 पर एशिया इमरजेंसी डाकृत शाम एंड कंपनी सरायमीर। डिफेंडर भाई अतहर बाल को संभाला मोहसिन ने, और ये मोहसिन यार मोहसिन ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने कलाइयों में हड्डी के बजाय बैरिंग फिट कर रखा है। कलाइयों का अत्यंत सुंदर इस्तेमाल, लाजवाब इस्तेमाल कलाइयों का। अच्छा मिस्टर जैद के तशरीफ में कुछ गड़बड़ी है, बाल को संभाला खिलाड़ी डिफेंडेड। इस बीच अल्तमश ब्यूटीफुल है, रेड चार भाई अल्तमश 4-11। तो फेल अहमद साहब यहाँ पर बैठे हैं और डॉक्टर साकिब जमाल साहब हसन हॉस्पिटल वॉलीबॉल के बड़े मुमताज खिलाड़ी रहे, ये उनको कहीं ना कहीं अपनी जवानी याद आ रही होगी। खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के बाद कहीं ना कहीं अपना माजी याद कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और साथ ही साथ मिर्जा सुफियान बेग मिर्जापुर और मोहम्मद अशरफ तोहा अजमल साहब इस पेंट से मुकाबला देख रहे हैं, लगातार इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। इस पेंट और मक्का मुकर्रमा से डॉक्टर अहमद जलाल इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए। लवली शॉट भाई अल्तमश, वारे अल्तमश बहुत ही प्यारा खिलाड़ी, बड़े बड़े सोरमा को घोटने टोकने पर मजबूर किया है। और दोस्त मैं बताते हुए रजत चौधरी के खिलाफ फतेहपुर चाल नर्जा के मैदान पर मिस्टर अल्तमश ने बहुत ही तापनाक मंजर पेश किया था वॉलीबॉल का, और उस फतेहपुर चाल नर्जा में पहला वन बाउंस करने वाला स्मैशर यही रहा अल्तमश। फतेहपुर चाल नर्जा का शहजादा रहा है, फतेहपुर चाल नर्जा का हीरो रहा है, और रजत चौधरी जैसे खिलाकर के सामने वन बाउंस करना ये इतना आसान काम नहीं। मैं चाहूँ कि पूरा मजमा एक बार अल्तमश के लिए तालियां बजा दे। रजत चौधरी के सामने वन बाउंस किया था इस बिला के सामने, जिसे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था ये कमाल का प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे ऐसे ये अल्तमश बाल अभी भी कंट्रोल में, तो दोनों टीम बिल्कुल वेल बैलेंस है।
मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन अब ये क्या सो रहा है कि मुमकिन है कि तीसरा सेट भी खेला जा चुका है। डिफरेंस 8 का है, पॉइंट विश लंबी दूरी है, बाल को संभाला अरमान ने और वो साइड अपने मिशन में कामयाब, सर्विस को भी नाम दिया, अगेन चेंजिंग सर्विस इन फेवर ऑफ साई का दरबार। नाउ पॉइंट्स आर 12 अगेंस्ट 4, 12, 4। बेहतरीन मुकाबला है ये अल्तमश, लवली शार भाई अल्तमश कि अगर हम ना होते तो गसल कौन कहता, तुम्हारे सुर्ख होते तो कवल कौन कहता, ये तो मोहब्बत का करिश्मा है यारो, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। 4, 12 शारदाई सईद आला कि आदिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं तो बिखर जाऊंगा, तो उससे बिछड़ा हूं तो ये महसूस किधर जाऊंगा, गम का दरिया हो समंदर में उतर जाऊंगा। अजहर ने और ये जीशा सर्विस चेंज कराने में कामयाब, निष्ठा रफ्तार सर्विस का 4, 12 निष्ठर वाचिद साजिद और माशिद मिर्जापुर भी ये टूर्नामेंट से जुड़े हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें सईद आलम लेकिन अतहार को चौंदा 12-4 बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा सेट है, पहला सेट एशिया इमरजेंसी ने जीत रखा है, दूसरे सेट में 8 पॉइंट के बल के साथ ऐसा है का दरबार। ये शान का हल्का क्रॉस बाल को लिया, मोहसिन ने आगे बढ़ाया, मोहसिन एक बार वाओ लवली डिफेंस भाई मोहम्मद अतार और ये अल्तमश अंडर नेट ट्राई कर बैठे, नेट की जुल्फों से उलझ कर रह गया अल्तमश, नेट की बाहों में उलझ गया और एक पॉइंट अपने विरोधी को दे दिया। 13-4, 13 पर जायका दरबार, 4 पर एशिया इमरजेंसी, बदला लिया है पहले सेट का ये माल सहमत, सर्विस चेंज कराने में कामयाब माल सहमत। जाबी कार्रवाई के लिए बेशैन जायका दरबार, लहबरिया उमदा सर्विस, अच्छा पास किया ये मास मिस्टर मोहसिन, सर्विस चेंज कराने में कामयाब 13-4। फाइनल मुकाबला बहुत ही प्यारा चलता हुआ, सर्विस सभी इन छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखना होगा, वरना यही गलतियां कभी कभार हार का रीजन बन जाया करती, हार की वजह बनती है। 4-13 ये मोहसिन वाकितन शार बहुत ही प्यारा था, लेकिन अफसोस बदकिस्मती से बाहर, टाई लाइन के बाहर एक अंक मिलता हुआ एशिया इमरजेंसी को। 5-13 डॉक्टर एहतिशाम अहमद साहब एशिया इमरजेंसी हॉस्पिटल सरायमीर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस टीम को बाउंस किया है, टीम के जो मैनेजमेंट हैं जिन्होंने टीम को संवारा है, अशरफ साहब तोहा और मिस्टर मिर्जा सुफियान बेग मिर्जापुर। 27-28-29 दिसंबर में अल्लामा शिबली नौमानी ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट मोमरा में होने वाला है, ऑर्गेनाइजर आपका टूर्नामेंट मंसूर शेख, महफूज आलम, महफूज मामा, लवली शार भाई सईद आलम कि कौन कहता है कि मैं उस पे मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा और क्या मेरी जिंदगी वीरान करेगा, मैं तो बादल किसी और पे बरस जाऊंगा। 13-7 देख रहा हूँ कि ठीक है, अहमद साहब के साथ बैठे हमारे बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर साकिब जमाल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं,
हमारे बुजुर्ग टूर्नामेंट से जुड़े हुए, हमारे सीनियर, हमारे आइडियल टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है कि किसी के जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर पहने नहीं होंगे तो फिर राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर पगड़ी कौन बांधेगा। खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए वॉलीबॉल के बड़े असीम खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर हैं, और ये पूरा मशमा वॉलीबॉल की, ये सच्चे प्रेमी, सच्चे दीवाने वॉलीबॉल की, ये मद्दा, ये शहदाई खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए दादो तहसीन से नवाजते हुए माइनस बार। लेकिन दो खिलाड़ी आपस में नतीजा सर्विस चेंज होकर जाएगा दरबार के फेवर में। 9.4 14 7 सेट पॉइंट एशिया इमरजेंसी सराय मीर। कच्चा उड़ाने में कामयाब महा सहमा 7 14 7 पॉइंट की दूरी को तय करना है। वक्त कम है, सफर लंबा है, बड़ी ही मुश्किल नगर पंगड़ की, खास तौर से अगर एशिया इमरजेंसी सरायमीर के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, एशिया इमरजेंसी के एतबार से अगर बात की जाए तो फासला लंबा है, 1 पॉइंट और, लेकिन 6 पॉइंट की दूरी अभी भी मुसलसल चिंता का विषय बनी हुई है एशिया इमरजेंसी के लिए। 8 14 डिफेंडेड बाई मोहसिन हारिश टू मोहसिन, बहुत ही प्यारा ड्रॉ, एक जहरीली नागिन की तरह टस लिया यहाँ पर एशिया इमरजेंसी के खिलाड़ियों को। डॉक्टर साकिब साहब यहाँ पर बैठे, उनको मालूम है कि नागिन का टसा पानी को तरसे बड़ा खतरनाक जहर होता है, चीज को डॉक्टर साकिब साहब बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल इस बीच अल्तमश का बहुत ही लाजवाब है, लूज फील्डिंग शॉट भाई अल्तमश। आठ चौदह सर्विस चेंज हो रही है, हार मांगने को तैयार नहीं, लंबी सर्विस ये मौसे, फिर वही का वार देखिए, नागन के जहर का तोड़ निकाला है, ये सारा जंगल ने रखा है दोनों ने घेरे में, कब तक आंख मचोली होगी नागन और सफेरे में। फर्स्ट टाइम आउट।